सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि क्यों वो एक फाइटिंग चैंपियन है। हेलो गाइस, रेसलिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर डालें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की शुरुआत तो सेथ रॉलिंस ने धमाकेदार अंदाज में की, शो को दिलचस्प बनाया, क्योंकि रॉलिंस ने ट्विटर पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक ओपन चैलेंज रखी थी, जो कि रॉ में ये चैलेंज जो थी बहुत ही खास थी, क्योंकि दो साल बाद रॉ में किसी बड़े चैंपियनशिप को डिफेंड किया गया, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को। तो सेथ रॉलिंस के इस चुनौती को डैमियन प्रीस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और सेथ रॉलिंस जैसे ही शो की शुरुआत करते हैं, बीच में डैमियन प्रीस्ट और फिन बेलर आकर उनको इंटरप्ट करते हैं। तो सेथ रॉलिंस दोनों का मजा लेना शुरू कर देते हैं और ये शर्त रख देते हैं कि मैच में कि जजमेंट डे का कोई भी मेंबर चैंपियनशिप मैच में दखल नहीं देंगे, जिसको डैमियन प्रीस्ट स्वीकार कर लेते हैं और ये मैच जो है मेन इवेंट के लिए बुक किया जाता है। मैच तो काफी जबरदस्त मैच हुआ, दोनों तरफ से काफी हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला, जहां पर सेथ रॉलिंस का पल्ला भारी नजर आया तो डैमियन प्रीस्ट ने भी बहुत जबरदस्त मैच को लड़ा। भले ही बीच में फिन बैलर ने इंटरप्ट किया, पर रॉलिंस ने उसको धराशायी कर दिया और एक जबरदस्त स्टंप लाकर रॉलिंस ने इस मैच को जीत करके अपने चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया। पर ये चैंपियनशिप जो थी खास मायनों में बहुत ही खास थी, क्योंकि ये चैंपियनशिप दो साल बाद रॉ में जो है ये चैंपियनशिप डिफेंड हुआ। पर बात अगर दूसरे मैच की जाए, जहां पर गुंथर का सामना केविन ओवेंस से हुआ, तो वो मैच भी काफी जबरदस्त मैच था, क्योंकि गुंथर जो थे भले ही एक नॉन टाइटल मैच था, पर गुंथर और केविन ओवेंस के मैच किसी मायने से किसी चैंपियनशिप मैच से कम नहीं था, क्योंकि ऐसा मैच को देख करके नहीं लग रहा था कि मैच एक तरफा जा रहा है। कभी केविन ओवेंस इस मैच को जीतने के बहुत करीब आ गए थे, पर गुंथर जैसे फाइटिंग चैंपियन ने फिर से पलटवार करके केविन ओवेंस को धराशायी करके अपने जो अनडिफीटेड स्ट्रीक है उसको जारी रख दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि गुंथर शायद इस मैच में अनडिफीटेड स्ट्रीक खो देंगे, पर गुंथर ने बहुत जबरदस्त वापसी करते हुए इस मैच को जीत करके अपना जो अनडिफीटेड स्ट्रीक थी उसको आगे के लिए जारी रख दिया। पर इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में एक इंटरेस्टिंग घटना घटी, जहां पर मिज टीवी पर जो इस हफ्ते का जो गेस्ट थे वो थे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। मिज ने अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को अपने शो पर बुलाया और उनके साथ दो और गेस्ट को भी यहां पर इंट्रोडक्शन कराया, रिया रेपली और डोमिनिक मिस्ट्रियो को। तो जिसको देख करके अमेरिकन नाइटमेयर को काफी गुस्सा आ गया। भले ही डोमिनिक मिस्ट्रियो ने कोडी रोड्स को एक थप्पड़ जड़ दिया, तो उसका जो सारा गुस्सा था वो अमेरिकन नाइटमेयर ने मिज के ऊपर लिया और मिज को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया। पर बात करें अगर रोंडा राउजी की मैच की, तो रोंडा राउजी और सेना बिजलर का जो टैग टीम मैच था वो काफी जबरदस्त मैच हुआ। भले ही इस मैच में रोंडा राउजी को जीत मिला, पर आगे के लिए बैकी लेंच का जो सफर वो मनी इन द बैंक में वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत करने वाला हो सकता है, क्योंकि बैकी लेंच ने तो अपने मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच को बड़े आसानी से जीत लिया सोनिया डेवेल के खिलाफ। और भले ही बैकी लेंच इस क्वालिफाइंग मैच को जीत करके मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर गई, पर बैकी लेंच के लिए आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा दिक्कत करने वाला हो सकता है, क्योंकि जोई स्टार्क जो है वो भी अपना मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच जीत चुकी है, जो बैकी लेंच के लिए काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि जो नाइट ऑफ चैंपियन में बैकी लेंच और टी स्टेटस के बीच मैच हुआ, जहां पर जोई स्टार्क ने इंटरप्ट करके बैकी लेंच को मैच हरा दिया, तो इसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोई स्टार्क इस मनी इन द बैंक में एक बार फिर बैकी लेंच की रास्ते का कांटा साबित हो सकता है। तो ओवरऑल अगर इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को देखा जाए, तो इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ काफी जबरदस्त रहा, जिसमें काफी इम्पैक्टफुल स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया गया और काफी जबरदस्त मैचों को लेकर के इस हफ्ते का जो मंडे नाइट रॉ था
वो काफ़ी ज़बरदस्त हुआ। और आने वाले दिनों के लिए जो सेथ रोलिंस का जो चैम्पियनशिप है, इसी तरीके से अगर जारी रहा तो सेथ जो बोल के गए हैं कि वो एक फाइटिंग चैम्पियन है और अपने चैम्पियनशिप को डिफेंड करेंगे, तो इसको देख करके लगाया अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेथ रोलिंस आने वाले दिनों में मंडे नाइट रॉम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे।